यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कन्नौज के विशुनगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और आरोप है कि 11 साल की नाबालिग छात्रा के साथ उसके सगे भाई ने दुष्कर्म किया है। दरअसल नाबालिग का पिता किसी मामले में जेल में है, ऐसे में बच्ची घर पर अकेली रहती है। इस दौरान उसके सगे भाई ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और घर से फरार हो गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रहीस खान कन्नौज से हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रहीस, तो यहाँ पर भाई बहन का रिश्ता शर्मसार होता हुआ नजर आ रहा है, 11 साल की नाबालिग के साथ भाई ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, क्या अपडेट है? सिनम जी, आपको बता दें यूपी में एक के बाद एक बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे सरकार नींद उड़ गई है। एक मामला शांत भी नहीं हो पाता है, रेप का दूसरा मामला सामने आ जाता है। यूपी के कन्नौज में भी लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी हाल में छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला शांत ही हो पाया था, एक 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जी, थाना विशुनगढ़ के गांव किला नगरिया के रहने वाले पप्पू जाटव की 11 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ उसके सगे भाई ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। जी रहीस, तो सुरक्षा की बातें की जाती हैं, महिला सुरक्षा की बातें की जाती हैं, सरकार की ओर से दावे किए जाते हैं, लेकिन सुरक्षित अगर अपने घर में ही एक लड़की अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है तो उसके लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार को प्रयास तो करना चाहिए। महिला पुलिस है, दुनिया लगा रखा है, सरकार को प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन घर में जब घर के परिजन ही ऐसे भेड़िए बन जाते हैं तो क्या उसमें कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहीस खान तमाम जानकारी देने के लिए। तो भाई बहन का रिश्ता यहाँ पर शर्मसार हुआ है, पीड़िता के सगे भाई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और घर से फरार हो गया। फिलहाल अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।